कॉटन का टूटा वायदा, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुलने से घबराए निवेशक, काट रहे अपनी पोजीशंस। दरअसल MCX पर अब तक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुला है, खुलेगा या नहीं अभी तक ये भी साफ नहीं है। बाजार को उम्मीद है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खुला तो हेजिंग के लिए क्या होगा। इस बीच कॉटन की चाल की बात करें तो MCX पर दूसरे दिन कॉटन के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली थी। दिसंबर वायदा 30,000 के नीचे लुढ़क चुका है और दिसंबर में दाम 12% गिरे हैं। वहीं NCDX पर भी कपास में आ रही तेजी पर ब्रेक लगी और भाव 1600 के नीचे जा लुढ़ गए। अभी तक जनवरी वायदा शुरू नहीं हुआ है, जनवरी वायदा न खुलने से बाजार में डर का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 30 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। उधर CPI ने सेबी से अपील करते हुए कहा है कि वायदा पर नियम जल्द लाने की कोशिश की जाए। MCX ने नियमों में बदलाव की बात कही थी। जनवरी 2023 से सौदों को मंजूरी नहीं मिली है। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 30 दिसंबर को एक्सपायर होगा और एक्सपायरी के 5 दिन पहले डिलीवरी में चला जाएगा। नए सौदों की मंजूरी न होने से हेजिंग संभव नहीं है और बाजार में अनिश्चितता का माहौल फैला हुआ है। वहीं कॉटन के उत्पादन की बात करें तो 2019-20 में 365 लाख बेल्स कॉटन का उत्पादन हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 354 लाख बेल्स का उत्पादन देखने को मिला है। एक्सपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2019-20 में 47,04,000 बेल्स कॉटन का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में 70,59,000 बेल्स का और 2021-22 में 45,00,000 बेल्स कॉटन एक्सपोर्ट हुआ है। जबकि वही कॉटन के इम्पोर्ट पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2017-18 में 15,80,000 बेल्स कॉटन का इम्पोर्ट हुआ था और 2021-22 में 10,50,000 बेल्स कॉटन का इम्पोर्ट हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।